सर, आरपीएससी को हम कई बार नोटिफाई कर चुके हैं अपना रिजल्ट निकालने के लिए, पर प्रधानाध्यापिका के रिजल्ट को लेके इनकी नीरसता हमें समझ नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात, हम लोग हर नेता से हर बार जाकर के मिल चुके हैं, उनको रिटर्न में ज्ञापन दे चुके हैं, पर हमें सिर्फ एक समझ में आ रहा है कि जो नेताओं ने किया है वो वोट बैंक की राजनीति खेली है। उन्हें किसी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। वो सच में नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति सुधरे। इन नेताओं को देख करके ऐसा लगता है, और शायद मुझे कड़वा बोलना पड़ रहा है, पर जो नेता लोग बैठे हैं वो खुद सोचें कि किसी शिक्षक की वजह से उनको वो पद मिला है, तो क्या शिक्षक को इस तरह से प्रताड़ित करके वो एक अच्छी शिक्षा नीति को लागू कर पाएंगे? मेरा सवाल उन्हीं से यही है, उनसे यही है कि एटलीस्ट या तो वो हमें पद दे दें या ये मना कर दें कि हमें नौकरियां देनी नहीं है, तो हम सरकार से उम्मीद करना बंद कर दें। सर बिल्कुल मिलेंगे उनसे, और शिक्षा मंत्री जी से तो हम कई बार मिल चुके हैं, हमें हर बार आश्वासन मिलता है। मुझे लगता है डोटासरा जी कुर्सी पर बैठने के बाद कार्य करना भूल गए हैं, या वो अपनी जवाबदारी भूल गए हैं। मुझे जवाब दें वो आकर के, हम सभी को जवाब दें कि वो सच में शिक्षा मंत्री की अपनी जिम्मेदारियों को कितने हद तक निभा चुके हैं। क्या वो हमें इसी तरह से परेशान करने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठे हैं? 15 फरवरी के समय को निकले हुए इतना समय हो गया, हमें इतनी गर्मी में बार बार आरपीएससी आना पड़ता है, कभी सीएम ऑफिस कभी डीसीएम ऑफिस जाना पड़ता है, तो क्या शिक्षक परेशान होने के लिए पैदा हुए हैं? जहाँ दूसरे देशों में विदेशों में शिक्षकों का इतना सम्मान किया जाता है कि शिक्षक अगर आ जाए तो कोई बड़े से बड़े नेता खड़े हो जाते हैं, उन्हें राशन के लाइन में नहीं लगना पड़ता, उन्हें किसी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। सर धरना देना है हमें, और हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, और आज ही से हमारा धरना प्रारंभ है। शालिनी शर्मा, बिजानेगर। ये सर, हमने हमारी एचएम भर्ती परीक्षा हुई थी 2 सितंबर 2018 को, उसके बाद 9 महीने बीत चुके हैं, और 9 महीने बाद भी आरपीएससी केवल 72,000 कैंडिडेट थे, उसके बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया। जबकि हमारे से कुछ दिन पहले ही एक आरएएस की परीक्षा होती जिसमें 5 लाख अभ्यर्थी थे, उनका रिजल्ट इन्होंने जारी भी कर दिया। हमारी भर्ती परीक्षा में क्या दिक्कत आ रही है? हम बार बार सबसे मिल चुके हैं, हमें कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा। हम डीसीएम साहब से मिल चुके हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से मिल चुके हैं, आरपीएससी में हम बार बार आ चुके हैं, लेकिन कहीं से भी हमें कोई उचित जवाब नहीं दिया जा रहा कि आपका रिजल्ट इस कारण से अटका हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कल चुरू में जो एक मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बोला कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ और मैं शिक्षक की समस्या सुनता हूँ। तो क्या ये शिक्षकों की समस्या सुनी जा रही है? पिछले 9 महीने से जो हर एक शिक्षक इस जून भरी गर्मी में घर बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, ये शिक्षकों की समस्या सुन रहे हैं वो? हमने उनको एक आशा से वोट दे के हमने यार एक सरकार चुनी थी, तो ये सांपनाथ और नागनाथ वाली बात हो रही है, दोनों एक जैसे। पहले उनको देख लिया, अब इनको देख लो, क्या ये दे यही दे रहेगा हमारे टीचरों के लिए? समस्या हमारी ये है सर। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, यदि उसमें कोई समस्या है तो हमें कारण बताया जाए कि आपके रिजल्ट में ये समस्या आ रही है। हमें कोई कारण ही नहीं बताया जा रहा कि आपके रिजल्ट में समस्या क्या है। अगर नहीं मांगे मानी जाती है तो? मांगे नहीं मानी जा रही तो हम अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम धरने से नहीं उठेंगे। 23 जून में हमें बीमार होना पड़े, चाहे मरे, चाहे कोई खपे, हम नहीं उठेंगे। जब धरना शुरू, आज से धरना स्टार्ट है। आपका परिचय? मेरा विक्रम काजला हूँ, मैं झुंझुनू से हूँ।